सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। कभी भी अपने सपने को सिर्फ इसीलिए मत छोड़ देना कि उसका पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय तो वैसे भी बीत ही जाएगा। आज का पंचांग 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि शाम 7:19 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 12:29 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:34 से 9:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार, आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। अपनी ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इनमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है आपकी। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। आज निवेश की जो नए अवसर आपकी ओर आए उन पर विचार करें, लेकिन धन तभी लगे जब आप उन योजनाओं का भलीभांति अध्ययन कर लें। दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद सता सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगी। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। प्यार से बढ़कर कोई एहसास नहीं। आपको भी अपने प्रेमी को कुछ ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे उनका विश्वास आप में बढ़े और प्यार को नई ऊंचाई प्राप्त हो। आज चंद्रमा के तुला राशि में स्थित होने से आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है और आपके विचार थोड़े बिखरे हुए हो सकते हैं। जमीन पर टिके रहना और ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है, भले ही दूसरे लोग आपके इशारों पर भरोसा करने में झिझकते हों। इन चुनौतियों के बावजूद आपका दिन आपके व्यक्तिगत संबंधों में विशेषकर आपके साथी के साथ खुशी से भरा वातावरण बनाता है। अपने व्यापक सामाजिक दायरे का समर्थन स्वीकार करें। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपका उत्थान करेगी। याद रखें शांत और संतुलित दिमाग बनाए रखने से आपको किसी भी अस्थिरता से निपटने में मदद मिलेगी। अपने लचीलेपन पर भरोसा रखें और अपनी प्राकृतिक नेतृत्व को चमकने दें। सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। समय अच्छा है, आप ऊर्जा और भरोसे के साथ अधूरे काम निपटाने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक संपर्क क्षेत्रों को और मजबूत करें। आने वाले दिनों में नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद होंगे। काम में नई शुरुआत हो सकती है। पुरानी गलतियों से मिले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए काम को बेहतर तरीके से करेंगे। करियर से संबंधित बढ़ता हुआ डेडिकेशन बढ़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में गंभीरता बढ़ने लगेगी, इस कारण अपनी अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे। करियर से संबंधित निर्णय लेने से पहले आपको अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत होगी। रिलेशनशिप में नयापन आएगा। पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए एसिडिटी ठीक करनी होगी। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। आपने जो धन उधार लिया था आप उसे उतार सकते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से माहौल अच्छा भी रहेगा। सावधानियां, अपने निजी मामले बाहरी लोगों से शेयर न करें। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में भी उन्हें आपका सहयोग आवश्यक है।
किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से व क्रोध की अपेक्षा धैर्य और संयम से संभालने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जुनून और दीवान के आज के दिन का पर्याय रहेगा। आप एक असाधारण और अविश्वसनीय प्रेम के तरीके से अपने साथी को आश्चर्यचकित करेंगे और इसके लिए पुरस्कृत भी होंगे। आप खर्च में और प्यार के कार्य में दोनों में समान रूप से उदार रहेंगे। आपके इस उदार प्रकृति के कारण आपके साथी में एक भावुक और दीवानगी की प्रतिक्रिया आपके लिए पैदा होगी। आप एक साधारण दिन का आनंद उठाने के लिए तैयार रहें, जो कि आपके प्रयासों के कारण असाधारण बन गया है। अगर आप कोई नया रिश्ता चाहते हैं तो यह समय आपके लिए चमत्कारों भरा है, क्योंकि आपके सितारों के अनुसार जल्दी ही आपके विवाह की संभावना है। अपने जो भी भविष्य के सपने देखे हैं वह जरूर सच होंगे। पारिवारिक संघर्ष या कानूनी मुद्दे अभी कष्टदायक हो सकते हैं। आज आप अपनी भावनाओं को अपने साथी से व्यक्त करेंगे और इसके लिए आपको सरप्राइज का भी प्रबंधन कर सकते हैं। चिंता ना करें, आज आपका दिन भाग्यशाली है और आपके हर प्रयास में सफलता साथ देगी। प्यार की ऊर्जा आपको खास बनाती है और यही कारण है कि लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। बात करते हैं करियर की। दूसरों के साथ जुड़ने के आपकी बढ़ती हुई क्षमता के कारण आपका करियर उन्नति की ओर अग्रसर है। आपका प्राकृतिक आकर्षण और कूटनीतिक कौशल सुर्खियों में रहेंगे, जिससे सहयोग करना और मजबूत पेशेवर बंधन बनाना आसान हो जाएगा। यह अवधि आत्मविश्वास से अपने विचारों को साझा करने और नए अवसरों की खोज के लिए आदर्श है। आपको शायद पता चलेगा कि एक टीम में काम करने से आश्चर्यजनक सफलताएं मिलती हैं। फीडबैक के प्रति ग्रहणशील रहें और सामूहिक लाभ के लिए समझौता करने के लिए तैयार रहें। आपके संतुलित दृष्टिकोण को खूब सराहा जाएगा और आप मार्गदर्शन के लिए किसी गुरु को भी आकर्षित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा के स्तर ऊंचे रखें और अपने उद्देश्य स्पष्ट रखें। सफलता आपकी मुट्ठी में है। आज अपने कर्म से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नत किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित भी किया जा सकता है, या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं। आप एक पेशेवर सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज करियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप काफी लाभान्वित हो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आप में बेहतरीन प्रशिक्षण होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला ना हो तो आपको खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा है तो अब इस बारे में सोचने का सही समय है। आज का उपाय। आज आप शिव भगवान जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।